हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी कुछ पुरानी यादें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं है भाई, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ आज। तो शुरुआत करते हैं आप लोगों को दिखाने की। तो भैया, ये मेरी शादी के बाद की फोटो है, मेरे और अंश के पापा की। पहले ऐसी थी, ये देखो कैसे लग रही है। और फिर इसके बाद भाई, ये हमारी सोना के साथ फोटो, कैला देवी पे गए थे। तो ये इधर मैं खड़ी हूँ, इधर ये सोना गोदी में, और ये टीटिया है हमारा, जो कि मैं ऐसे मारती रहती हूँ, वही टीटिया है भाई हमारे साथ। और ये किंजल, किंजल देखो इतनी बड़ी थी सोना से। और फिर आते भाई दोबारा कैला देवी पे, फिर गए थे हम दोबारा सोना को लेके कैला देवी। तो ये देखो दूसरी फोटो थी भाई, ये वाली। और एक फोटो तो मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई भाई, मेरी कुआरी की फोटो दिखाती हूँ, कितनी मस्त फोटो, झकास। ये मैं, ये मेरी फ्रेंड, ये देखो भाई फोटो भी खराब हो चली अब तो। ये कब की है, इससे डेट नहीं डल रही भाई, बता देती आपको कब की थी। इसको बताती हूँ आपको, ये 20 मार्च तीसरे महीने 2016 मंगलवार की फोटो है भाई, सोना की। ये 2016 की फोटो है। और कोई बात नहीं, तो निकालो। फिर उसके बाद है भाई ये, और मैं सोना दोनों एक साथ अकेले हैं। फिर आ जाइए भाई सोना से पहले, जैसे कि मैंने बताई थी आपको, ये मेरा बड़ा बेटा है, पहले ब्लॉग में दिखा चुकी थी, उसकी फोटो है। 29 नवंबर को हुआ था ये 2014 में। अब दिखाते हैं भाई, ये हमारी सोना खड़ी है नीचे, और अंश गोदी में लटुरिया करवाने गए थे कैला देवी पे इसकी। अब तो ये हमारे चारों प्रेम, अद्विका नहीं थी इस टाइम, ये अद्विका खड़ी है। ये गई थी पापा की गोदी में। तो ये इधर देखो, पूरी फैमिली गई थी हम कैला देवी। ये हमारी ननद की लड़की है, और ये सोना, ये किंजल, ये मेरी भतीजी, और ये अंश के पापा और अंश, और ये हमारी सासू। और फिर भैया अंश की लटूरी उतरने के बाद का फोटो, ये है अंश की लटूरी उतरने के बाद जीप पे इसके पापा ने फोटो खिंचवाया था वो। अब दिखाती हूँ आपको तो भैया कुछ ताजमहल की, मेरी कुआरी की फोटो। तो ये मैं कुआरी थी तब की फोटो है भाई, सगाई फगाई कुछ भी नहीं होती, उससे पहले की फोटो है ये मेरी। तो ये मैं खड़ी हूँ इधर, अंग्रेजी खड़ी है, ये हमारी चाची थी, और ये हमारा देव है, देव भतीजा, जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका है। और ये है भाई हमारा प्रिंसू, चाचा का लड़का छोटा सा। ये सोना टकली होने के बाद अपने पापा की गोदी में अकेली। फिर ये सोना हमारी थोड़ी सी बड़ी हुई, तो ये फोटो मतलब सोना और अंश एक जैसे ही लगते हैं। ये देखो सोना, सोना के तो बहुत फोटो है, लेकिन अंश के और अद्विका के, अद्विका का तो एक भी नहीं है बेचारे। ये हो गए भाई हमारे फोटो पूरे। और लास्ट फोटो ये मेरा और सोना का, इंडोन का फोटो है भाई, उस पर भी डेट ऑफ बर्थ की तरह। तो कमेंट करके बताना भाई कैसे लगे आप सभी को हमारे फोटो। तो एक बार बैक कैमरे से और दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो भाई बैक कैमरे से ये मैं और सोना, ये हमारी सोना ही सोना, ये भी सोना, मैं और सोना खड़े हैं भाई। इधर ये हमारे चाचा का लड़का है प्रिंसू, इधर ये अंश के पापा सोना को ले। ये मेरी कुआरी की फ़ोटो है भाई, सगाई फगाई कुछ भी नहीं हुई थी, मुझे भी खुद को नहीं पता ये कौन सी क्लास में पढ़ती थी मैं, तब की फ़ोटो है। ताजमहल देखने गए थे हम,
और ये भाई मेरी फ्रेंड और मैं दोनों खड़े हैं। ये देखो मैं पहले ऐसी चंपू सी थी, अभी भी चंपू ही लग गई। ये देखो अंश टकलू, ये अंश की लटूरियाँ नहीं उतरी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उतर चुकी थी टकले की, यहाँ पे भी नहीं उतरी थी। यहाँ पे हम जा ही रहे थे मंदिर के अंदर तक, फोटो खिंचवा लिए। ये मेरा बड़ा बेटा, ये मेरी सोना, इसके बाद भी मेरा एक छोटा लड़का भी ख़त्म हो गया था भाई, उसकी फ़ोटो नहीं है। फिर उसके बाद हुई थी ये सोना, ये सोना है हमारी सोना डॉन। सोना डॉन पे लाड बहुत किया था भाई हमने, ये सोना डॉन बैठी है इधर। सोना डॉन की लटुरिया उतरवा दी। टीटिया देखो, टीटिया कैसा लग रहा है। ये भाई फिर शादी के बाद की फोटो, इतनी मोटी थी मैं। शादी के एक साल बाद की फोटो है। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया, पसंद आई हुई वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी हमारी मेमोरी? एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको राज की, कि मुझे शुरू से बहुत शौक़ था भाई एक चीज़ का, जो शौक़ अब शादी के बाद मिट चुका है। शादी के बाद नहीं, फिलहाल अभी ख़त्म हुआ है ये शौक़ मेरा, नहीं अभी भी बहुत था मुझे, कि मेरे हाथों में ना ये सारी उंगलियों में मैं शुरू से ही अंगूठी पहनती थी, कुंवारी थी तब से ही, चांदी की अंगूठी। तो ये देखो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा, ये देखो दोस्तों अंगूठे में ये अंगूठी पूरे हाथों में, ये मैं खड़ी हूँ। ये मेरी सहेली है, इसने भी ऐसे ही पहन रखी है, ठीक है। और इसमें और दिखाती हूँ भाई ताजमहल वाली फोटो में, शायद इसमें भी पहन रखी होगी, क्योंकि हो नहीं सकता कि नहीं पहन रखी होगी, लेकिन पहन के जरूर रखी होगी मैंने। ये देखो दिख रही है ना अंगूठा में, इधर ये अंगूठी, सुनी हो कि जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है कम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश। हेलो दोस्तों, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? मान उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भैया ये हमारे गेहूँ कुट चुके हैं, और बाबा कह रहा है तू भाव लगा, मैं कह रहा हूँ वो कह रहा है मैं लगा। तो ये रखा इधर तूड़ा, और उधर बैठा भैया टीटिया दिख रहा हो तो खाट पे, सब रात यहीं सोया, क्योंकि चारों खेतों में गेहूँ पड़े थे भाई, इसलिए यही सोना पड़ा है इसे। तो ये गल्ला तो हमारा है, और ये देखो इधर हमारी जेठानी को कितने गल्लो लग रहा है, पूरे 10-12-20 कर जाने कितने तो कट्टा भर गया, और जब वो गल्लो लग रहा हुई तो गेहूं को और तूड़े को देखो ऐसा, मतलब अब क्या हमारे तूड़े और गेहूं तो खूब मस्त हो गए। तूड़ा देखो वह लग रहा हो गल्लो, वो गेहूं ने लग रही है दमा दम भर भी। हम बांध ले एक में। भैया अब गेहूं ने बांट सोई, हम फेरी है और तूड़े को तो हम बेचेंगे। और अंश और अदवी का खेल रहा है भाई जीप में, शाम ही सेट फट रहा है, चला हम काम दे रही है। ठीटे जो करो यार, मैं गेहूं बहुत निकले, मैं जो करूं बाहर नहीं रहे कति घर में थे निकले। यही हालत देखो भैया, कल पूरे 4 केतन को लाख उठाया यानी, ऐसे ऐसे गल्ले गए कागे मिनती को मोड़ देखो कैसे हो रहा है, काम कर कर किस रही है।
तू कहीं भाग रहा है? तुमने नहीं ले चला तो घर चलवे की कहीं पड़ रही है तू? तू तो घर चलवे की पड़ रही है नहीं? तो फाइनली हम बांट लिए भाई अब, और अब हम जाने वाले हैं घर अपने कट्टों को लेके।